तो दोस्तों आईपीएल 2020 हैज बीन स्टार्टेड और मतलब सीएसके वर्सेस एमआई के बीच में पहला मैच खेला गया था। मतलब काफी एक्साइटिंग मुकाबला रहा और मतलब आखिर में बहुत ही मतलब नेल बाइटिंग मैच हुआ। वो उसका मेन रीजन ये था दोस्तों कि मतलब रोहित शर्मा ने पहली मतलब शुरुआत अच्छी की थी। मतलब दोनों प्लेयर्स ने क्विंटन डिकॉक भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे और मतलब बात की जाए मिडल ऑर्डर की एमआई की तो वो खासकर इतनी चली नहीं। और मतलब इसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि पीयूष चावला ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की बीच में दोस्तों। इसके साथ उसका उनका साथ भी अच्छे से दिया रविंद्र जडेजा ने तो मतलब और उसके बीच में दीपक चहर और मतलब लुंगी एनगिडी भी बहुत ही अच्छे खतरनाक साबित हुए। और उसके चलते हुए मतलब एमआई ने 162 के रन पर मतलब अपना 20 ओवर्स में अपना टोटल खड़ा किया और मतलब वो चेसेबल था और ड्यू फैक्टर भी उनके साथ था। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले स्टेटमेंट किया था और उसके चलते हुए मतलब टॉस का फायदा भी सीएसके को हुआ और उसके चलते हुए सीएसके ने अच्छे से जीत हासिल की दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतलब दूसरी मैच जो है दिल्ली वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब वो क्यों रोमांचक होने वाली है और उसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा मेरी प्लेइंग 11 और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा टीम एनालिसिस भी करेंगे दोनों टीमों को और मतलब हेड टू हेड मैचेस भी देखेंगे कि कौन से टीम ने कितने जीते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्पोर्ट ट्रैवल स्पेशल। जैसे कि आपको सबको मालूम है मैं यहाँ पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूँ, यहाँ पे डेली वीडियो आपके सामने रहता हूँ जिसमें ब्रेकिंग न्यूज वगैरह होते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने अभी आईपीएल के 2020 जो मतलब शेड्यूल तक मतलब पूरी कहानी है जो आईपीएल 2020 की वो आपके सामने शेयर की है और उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे हर रोज जो मैचेस होते हैं उसका एनालिसिस करता हूँ, टीम एनालिसिस करता हूँ मैच होने से पहले और मैच होने के बाद भी आपको थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली। उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं क्रिकेटर्स का इंटरव्यू जो मैंने लिया है वो भी आपके सामने शेयर किया और मतलब आगे भी करता रहूंगा, बहुत सारे इंटरव्यूज पेंडिंग है मेरे। तो ये एक मेरा मोटिव कि मेरा कुछ नहीं हो पाया क्रिकेट में बट आपको कुछ ना कुछ हो सके, आपको बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन मिले यहाँ से। तो जो कि अभी मेरा फ्रेंड नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, इसे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियो आपके सामने रहता रहा हूँ इसके लिए। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक बिना टाइम इसके शुरू करते हैं और देखते हैं कि मतलब दिल्ली और किंग्स इलेवन पंजाब में कौन कौन खेलेगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मतलब अभी तक की आईपीएल के 12 सीजन की तो अभी मतलब हेड टू हेड मैचेस दिल्ली और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में 24 हुए और 24 में से 10 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स ने जीते और मतलब 14 मुकाबले जो है किंग्स इलेवन पंजाब में जीते हैं। तो मतलब अभी मतलब हेड टू हेड मैचेस की अगर बात की जाए तो मतलब किंग्स इलेवन पंजाब थोड़ी सी आगे है बट दोस्तों मैं बता दूं आपकी दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम इस साल की है वो काफी खतरनाक साबित होने वाली है दोस्तों। और अगर बात की जाए किंग्स इलेवन पंजाब की तो ग्लेन मैक्सवेल और मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहां पे शामिल है। तो मतलब ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एक सीरीज हुआ था जिसमें 100 रनों की पारी खेल के अभी यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब के साथ जुड़े गए ग्लेन मैक्सवेल, तो बहुत ही उनको फायदा होने वाला है इस चीज का। तो अभी जान लेते हैं दोनों टीमों की मतलब प्लेइंग इलेवन मैंने जो प्रेडिक्ट की है वो क्या है और मतलब वो प्लेयर्स मैंने क्यों सिलेक्ट किया वो भी आपको बाद में बताऊंगा। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो यह है मेरी टीम, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, सिमरन हेटमायर, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मार्कस स्टॉइनिस जो कि मतलब पिछले साल बैंगलोर में खेले थे बट अभी इस साल दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया है। फिर बॉलर आते हैं मेरे कवि सौरभ, अमित मिश्रा, संदीप लमिछाने और हर्षल पटेल। तो ये टीम जो है मतलब काफी मतलब मुझे लगती है कि यही टीमों के साथ उतरेंगे दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि इसका मेन रीजन है दोस्तों कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन और पृथ्वी शॉ बहुत ही अच्छा खेलते हैं आईपीएल में खासकर। फिर वन डाउन तो मतलब श्रेयस अय्यर बनते हैं मतलब क्योंकि मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको टाइम थोड़ा सा सेट होने में ज्यादा लगता है। तो उसके बाद अगर वो आउट जल्दी होते तो सिमरन हेटमायर जो कि काफी अच्छे फॉर्म में थे सीपीएल में तो उसका फायदा भी होगा। अगर श्रेयस अय्यर वगैरह मतलब जो ओपनर्स वगैरह ये ऊपर वाली जो बल्लेबाजी अगर फेल होती है तो सिमरन हेटमायर कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे मैंने इसलिए रखे है कि मतलब 3 विकेट अगर ज्यादा गिरते हैं तो मतलब थोड़ा सा कोई ना कोई मतलब उसको उस पारी को संभालने के लिए होना चाहिए, तो अजिंक्य रहाणे से ज्यादा मुझे बेटर ऑप्शन मिला नहीं। फिर ऋषभ पंत क्योंकि एंड में थोड़ा सा अगर 3 डाउन होते हैं तो मतलब 10-12 ओवर उधर खत्म हो जाते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है, तो ऋषभ पंत आके बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं जो कि मतलब जो कवर कर सकते हैं जो कि मतलब स्लो अगर होती है इनिंग या फिर बिल्टअप करना होता है, ये अगर रहाणे बिल्टअप कर रहे इनिंग्स तो ये फिनिश अच्छे से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने उनको वहां पे रखा है। फिर उनके बाद आएंगे मार्कस स्टॉइनिस जो कि ऑलराउंडर है और मतलब बॉलिंग भी अच्छे से कर लेंगे, इसके लिए मैंने वहां पे स्टॉइनिस को रखा है। फिर रबाडा, फिर अमित मिश्रा और संदीप लमेशा ने, ये दो मैंने रखे है स्पिनर्स, और हर्षल पटेल एक बहुत ही अच्छे पेस बॉलर है जैसे कि आपने देखा होगा पिछले साल, तो इसके लिए मैंने ये प्लेइंग इलेवन रखी है। तो दोस्तों देखते हैं कि यही प्लेइंग इलेवन के साथ जाते हैं या फिर कोई चेंजेस होता है। और अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए तो ये है मेरी टीम,
तो पहले क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह, फिर कृष्णप्पा गौतम, फिर मोहम्मद शमी, फिर मुजीबुर रहमान, फिर क्रिस जॉर्डन आएंगे और मतलब लास्ट में रवि बिश्नोई, ये मेरी टीम है। तो इसका मेन रीजन है दोस्तों कि जैसे कि मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा होता है हमेशा, और अगर ओपनिंग में आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसका फायदा होता है। तो क्रिस गेल और गेल राहुल वाली मतलब जो दहशत मना सकते हैं ना, वो बहुत ही मतलब दहशत वाली बार्गेन बल्लेबाजी करते, ओपन करते हमेशा, और मतलब इतनी दहशत अगर मौजूद हो तो मतलब सामने वाली टीम की बहुत ही फटने वाली है। तो फिर मतलब मिडल ऑर्डर में मयंक अग्रवाल, सरफराज खान, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह, फिर कृष्णप्पा गौतम और मोहम्मद शमी को रखा है। और मतलब कृष्णप्पा गौतम आपको अगर मालूम नहीं होगा तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और मतलब मैंने चार यहाँ पे मेन बॉल दे सके, तो मोहम्मद शमी एक है, मुजीबुर रहमान आपको बताने की जरूरत है नहीं, फिर क्रिस जॉर्डन और फिर रवि बिश्नोई। तो ये मेरी है किंग्स इलेवन की प्लेइंग इलेवन दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद है और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली ये वीडियो आपके सामने लाता रहूं इसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूं तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।